इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जापान वर्सेस थाईलैंड के बीच में जो मैच है उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये फोर्थ मैच होने वाला है एसीसी मेंस टी20 चैलेंज कप का जो चल रहा है उनकी ये फोर्थ मैच है। तो ये आपको टाइमिंग रॉन्ग लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 11:30 का मैच है। हो सकता है कि जिसे आज के मैच पे लेट स्टार्ट हुआ था। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आपको प्लेयर स्टेट, प्रेडिक्शन, प्रीव्यू, ड्रीम टीम, ये सारी चीज प्रोवाइड की जाएगी। सो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत जरूरी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरह का जो मैचेस होते हैं ना उनकी स्टैट्स आपको हमेशा ओएपी के ऊपर मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, पहले हम जापान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जापान के हर एक प्लेयर की स्टैट्स हमने लिख के रखा है। सो चलिए देखते हैं। इनके लिए दोस्तों ओपनिंग करते हैं लचन लक्के, उनके साथ एलेक्स ओपनिंग कर सकते हैं या फिर फ्लेमिंग, इनमें से कोई भी एक लचन के साथ ओपनिंग करेंगे। लचन इनके लिए कंफर्म ओपनर है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो लचन का बैटिंग बहुत अच्छे है, कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन थोड़ा पावर मतलब अगर हम देखेंगे ओपोनेंट का बॉलर काफी स्ट्रांग है। दोनों टीम जो है मतलब अगर देखा जाए तो जापान से ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे थाईलैंड है। सो डेफिनेटली इस वजह से आप चाहो तो लचन को अपने ग्रैंड लीग के लिए ट्राई करना। यहाँ पे सबसे अच्छे बैट्समैन है टीम के कैप्टन है, आप चाहो तो इस टीम की कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो फ्लेमिंग को। ये काफी कंसिस्टेंट है, 15 मैच में 560 स्कोर किया है इन्होंने। ये भी कभी कभार ओपनिंग कर लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इब्राहिम अच्छे ऑलराउंडर है, फर्स्ट डाउन बैटिंग कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। सो ये आपको फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे। उनके बाद दोस्तों सर्वोशीष रविचंद्रन, ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेग ब्रेक बॉलर है, 12 मैच पे 192 स्कोर, 8 विकेट, अभी तक T20 इंटरनेशनल भी इन्होंने लिया है। उसके बाद दोस्तों डेक्लान सुजोकी, जो कि 15 मैच पे 148 रन, 9 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। ठीक है, अब बॉलिंग बॉलर के ऊपर आ जाते हैं। विकेट कीपर इनके बहुत नीचे आते हैं, ठीक ठाक मतलब नहीं कह सकते हैं। आप चाहो तो पिक कर सकते हो ग्रैंड लीग में, बट सिंगल के लिए सही नहीं रहेगा। रियो जो है अच्छे बॉलर है, 14 मैच पे 19 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रहे हैं उस स्थिति में रियो को आप ट्राई कर सकते हो। रियान इनके लिए न्यू बॉलर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 7 मैच पे 6 विकेट की रिकॉर्ड है इनकी, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। पीयूष अच्छे बॉलर है, स्पिन बॉलिंग करते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, 12 मैच पे 14 विकेट इनको मिला है। सो इनके जो 11 प्लेयर है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारे प्लेयर देखते हुए मिलेंगे। और कुछ प्लेयर और है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोकोतो तानियामा, और ये नीचे का जो 4 प्लेयर है ना इनको शायद बेंच पे होंगे फर्स्ट मैच के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेयर को यहाँ पे मार्क किया गया है वो आपको स्टार्टिंग 11 पे देखते हुए मिलेंगे। ठीक, सो अगर हम इस टीम से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एक ऑप्शन आ जाता है इनका कैप्टन फ्लेमिंग, दूसरा दोस्तों इब्राहिम है जो कि एज ए ऑलराउंडर काफी अच्छे हैं। सो ये दो ऑप्शन मुझे स्मॉल लीग के लिए लगता है कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों थाईलैंड के लिए। थाईलैंड की जो टीम है मेरे विचार में थाईलैंड का टीम जापान से थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कह सकते कि 100% थाईलैंड विन कर जाएंगे। जापान का टीम भी ठीक ठाक है, बट अगर हम डिप्थ की बात करें तो थाईलैंड की डिप्थ थोड़ा ज्यादा है। इनके लिए आपको दोस्तों ओपनिंग करेंगे ये दोनों प्लेयर जो कि आपको ओपनिंग में दिख जाएगा। ठीक है, इनके अक्सर इनकी जो परफॉर्मेंस है ना बहुत गजब है, ये आप देख सकते हो। क्लब में इन्होंने 22 मैच पे 1317 स्कोर किया है, साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे दूसरा विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है, अगर ये विकेट कीपिंग करे तो उस स्थिति में अक्षय कुमार कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर हम इनका T20 इंटरनेशनल की बात करो तो 6 मैच खेले, 79 स्कोर किया है, हालांकि ज्यादा स्कोर तो नहीं है, बट फिर भी कहना चाहूंगा ये बहुत अच्छे प्लेयर है थाईलैंड के लिए, काफी अच्छे बैटिंग परफॉर्मेंस है इनकी। सो आप इन्हें बेझिझक पिक कर लेना, फॉर अगर थाईलैंड पहले बैटिंग करे उस स्थिति में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग पे नहीं फर्स्ट बैटिंग पे। अब दोस्तों इनके जो सबसे बेस्ट प्लेयर है ना वो है कॉजे रोबिन रॉबर्ट रविन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जांद्रे कॉजे, ये जो कि साउथ अफ्रीका के लिए डोमेस्टिक ट्रॉफी खेल चुके हैं, 2017 16 17 में ये साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक ट्रॉफी खेलते थे।
सो रिसेंटली थाईलैंड के लिए खेल रहे हैं और काफी अच्छे हैं यहाँ। इनका रिकॉर्ड 4 मैच अभी तक के लिए 49 स्कोर किया है, 5 विकेट भी लिया है, बहुत अच्छे बॉलर है। सो बेझिझक अपने टीम की कैप्टन ये होने वाले हैं। वाइस कैप्टन डिपेंड करेंगे टॉस के ऊपर। यहाँ पे एक ऑप्शन तो रॉबर्ट रैना है जो कि काफी अच्छे बैट्समैन भी है और बॉलर बहुत अच्छे, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग ये भी कर लेते हैं। 8 मैच में 7 विकेट इनको मिला है दोस्तों, 70। अब अगर हम थोड़ा सा क्लब लेवल पे देखते हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्ट रायना 100 मैचेस के लिए 2896 स्कोर किया है, 90 विकेट्स लिया है। अगर हम जांद्रे कॉट्जे की बात करें तो इन्होंने ज्यादा मैचेस तो नहीं खेला है रिसेंटली, ये थाईलैंड के लिए खेल रहे हैं, पहले साउथ अफ्रीका में खेलते थे। सो 10 मैच के लिए 291 स्कोर किया है, 27 विकेट्स इनको मिला है। सो इस टीम की सबसे बेस्ट बॉलर प्लस आपको मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। एक इनके यंग प्लेयर है, अभी तक इनका इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेला नहीं, वो है दोस्तों आस्टिन। आस्टिन की बात करूं है तो यंग प्लेयर लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आस्टिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जैसे कि 16 मैच खेले अभी तक 537 स्कोर किया है, 17 विकेट इनको मिला है, ये इनका क्लब रिकॉर्ड है, ठीक है। सो ये प्लेयर है जो कि आपका ग्रैंड लीग में बहुत कुछ मतलब अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उनके अलावा पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको नारवाइट, ये आप पार्ट टाइम बॉलर हैं बट रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, तो उस स्थिति में डेफिनेटली आप अपने रोटेशनल पिक में ट्राई कर सकते हो। अब चले आते हैं थाईलैंड की बॉलर्स में, तो इसके लिए सबसे अच्छे बॉलर एक तो नोफोन है जो कि 12 मैच पे 14 विकेट्स लिया है इन्होंने। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, टीम के लिए आपको फुल टाइम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि थाईलैंड के पास काफी बॉलिंग ऑप्शन है। एक तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, रायना एंड कॉजे, नोफोन है जो कि फुल टाइम बॉलिंग करेंगे, तो एक दो तीन ये तीन तो आपको फुल टाइम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उनके अलावा ये आपको एक पार्ट टाइमर बॉलर है, यहाँ पे पेंगू मुटा ये भी एक पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेयर और है जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगे, साथ में ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ये ओपनर जो है ये भी कभी कभार बॉलिंग करने आ जाते हैं। सो इस टीम पे काफी सारे बॉलिंग ऑप्शन होने की वजह से मेरे विचार में जो इनके लिए फुल टाइम बॉलिंग करते हैं ना, आप यहाँ पे नोट देख सकते हो, T20 इंटरनेशनल का पॉइंट देख सकते हो, वो उस बेसिस पे आप अपना जो सिलेक्शन है ले सकते हैं, ठीक है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बट ज्यादातर इनका जो मार्क किया हुआ प्लेयर है ना, अक्षय कुमार, आस्टिन, जानदे, रॉबर्ट रैना, नोफोन, इन सारे प्लेयर को आप नहीं छोड़ सकते अपनी टीम के लिए। कुछ प्लेयर और है जो मुझे लगता है कि हो सकता है इनका बेंच पे रहे, उनमें से एक बहुत अच्छे प्लेयर है मुझे लगा मुकेश ठाकुर, जिनका परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग है। 93 मैच 99 विकेट्स, 1777 स्कोर इन्होंने किया है। और दूसरा एक है डेनियल जैकब, जिन्होंने 72 मैच पे 87 विकेट्स लिया है, साथ में 2860 स्कोर किया है। राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, टीम के लिए रिसेंटली तो नहीं खेले बट 2020-21 में 8 मैचेस खेल लिए और 101 स्कोर भी किया है, ओपनिंग करे है, 4 विकेट मिला है। सो डेनियल का अगर ये फिट है डेफिनेटली इनको आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देख सकते हो, और पार्ट टाइम बॉलिंग करने की एबिलिटी जो कि एक खास चीज है डेनियल जैकोब्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टीम की। सो विकेट कीपिंग में तो डेफिनेटली अक्षय कुमार यादव जो कि बेस्ट ऑप्शन है, कैप्टन हमारा फिक्स्ड है। वाइस कैप्टन हम सोच सकते हैं, वाइस कैप्टन के बारे में बात करूँ तो एक रॉबर्ट रैना है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे फ्लेमिंग को बना सकते हैं हम, तीसरा अगर हम ऑलराउंडर पे जाना चाहे तो इब्राहिम है जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, हालांकि बॉलिंग सेक्शन पे स्थित है बट डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है जो कि हम कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान के चले मुकेश ठाकुर या डेनियल जैकब में से कोई खेलते हैं तो हमारे फाइनल टीम में आपको वो चेंजेस देखते हुए मिलेंगे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए पहले ही, ताकि जो भी फाइनल टीम हम आपको प्रोवाइड करें वो मिस ना करें। अब बात यह है कि यहाँ पे कुछ और प्लेयर भी है जो मार्क किया मैंने, उनको भी आप अपने टीम के लिए पिक कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आस्टिन को आप पिक कर सकते हैं इनके जगह पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चले। सो अगर हम आस्टिन को पिक करना चाहे तो हम उनके जो ओपनर है उनके जगह पे ले सकते हैं क्योंकि आस्टिन सेकेंड राउंड पे बैटिंग करने वाले हैं। मुकेश ठाकुर को अगर आपको पिक करना है तो मुकेश ठाकुर को आप पिक कर सकते हो किसी एक जापानीज बॉलर की जगह पे, ठीक है। इब्राहिम तो ऑलरेडी हमने पिक करके रखा है एक्चुअली, बाकी लचन को अगर पिक करना चाहो तो फ्लेमिंग की जगह पे ले सकते हो, मतलब
मतलब रोटेशनल पिक में अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेलना चाहो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को पिक करें, जबकि थाईलैंड की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, तो दोनों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन पिक करना सही नहीं है। या तो लचन को लो नहीं तो फ्लेमिंग को लो, एक ही पिक करना सही रहेगा, क्योंकि इनके जो ऑलराउंडर्स है ना वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एंगल पे पॉइंट दे सकते हैं, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह पे पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, सो ये है, बाकी फाइनल टीम के लिए बने रहे और टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।